Hello everyone, this is Suman Mehta. Dear students, I hope you are doing well in your studies. And today we are going to read the content, The Reign of Terror, at the page number of 16. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. 1793 से लेकर बेटा 1794 क्या पीरियड जो है बेटा रेन ऑफ टेरर कहलाता है. आप सबको पता है 1792 में कन्वेंशन का रूल आ चुका था और इस कन्वेंशन गवर्नमेंट के अंदर जो मेजर पावर थी बेटा वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हैंड में थी, यानी वो मेजर लीडर था. रोबेस्पियर ने बेटा बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी उसे क्रेडिट नहीं दिया गया या फिर उसके ऊपर जो है मुकदमा बाद में दायर करके और उसको भी एग्जीक्यूट करवाया गया. तो उसके पीछे कुछ कारण थे, उसके क्या क्या काम थे वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. रोबेस्पियर ने एक बहुत ही सख्त नियंत्रण की और सजा देने की नीति अपनाई. All those whom he saw as being enemies of the Republic. हर वो इंसान जिसको वो अपनी रिपब्लिक कंट्री का दुश्मन मानता था, चाहे वो एक्स नोबल्स हों, क्लर्जी पीपल हों, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हों, या फिर अपनी ही पार्टी के वो मेंबर हों जो कि उसकी पॉलिसीज को लाइक नहीं करते थे या उसके डिसीजंस से एग्री नहीं थे, सबको उसने अरेस्ट करवाया, इम्प्रिजन किया यानी जेल में डाल दिया. Then tried by a revolutionary tribunal और एक क्रांतिकारी अदालत के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा दायर करवा दिया. If the court found them guilty, अगर अदालत को भी ऐसा लगता कि वो लोग दोषी हैं, they were guillotined, उन्हें beheaded करवा दिया जाता. Guillotined का मीनिंग बेटा यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस से है जिसमें दो पोल्स होते हैं और एक ब्लेड लगा हुआ होता है, जिससे किसी पर्सन को बीहेडेड कर दिया जाता है, यानी उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है. इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लोटिन हु इन्वेंटेड इट. इस डिवाइस का नाम ग्लोटिन डिवाइस इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो इन्वेंशन थी डॉक्टर ग्लोटिन ने की थी. तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, प्लस जो फर्स्ट जो लाइन है इस पैराग्राफ की उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा. नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा, रोबेस्पियर गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेज. रोबेस्पियर ने बेटा अपने कई ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से ज़्यादा जो वेजेज होते हैं उन पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और जो थिंग्स के प्राइसेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की, यानी चीज़ों के रेट और आमदनी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की. मीट एंड ब्रेड वर राशनड. अब यहाँ पर मांस और जो ब्रेड होता था उसको राशन की दुकानों से सेल किया जाने लगा. पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज. किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपना पूरा अनाज शहरों में बेच कर आएँ. सेल इट एट प्राइसेज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और इसे गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए रेट पर बेचें. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन. अब जो पहले सफ़ेद रंग का जो आटा यूज किया जाता था उसको वहाँ से हटा लिया गया और उसकी जगह सभी सिटीजन्स को यूज करने के लिए एक मिक्स्ड होल व्हीट का जो है ब्रेड इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कई प्रकार के अनाजों से मिलाकर बनाया गया ब्रेड जो है मार्केट में लाया गया ताकि इक्वलिटी मेंटेन हो, चाहे रिच हों चाहे पुअर हों सब उसको परचेज कर सकें. इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सोट टू बी प्रैक्टाइज थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. और बोलते टाइम अपने भाषण में और अपनी जो है स्पीच के अंदर इस टाइप के शब्द इस्तेमाल किए गए जिससे कि इक्वलिटी मेंटेन हो जाए. इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनसियर सर और मैडम. पहले जो लोगों को हाई कास्ट के लोगों को मोनसियर और मैडम कहा जाता था, अब क्या किया गया वो टाइटल हटा दिए गए और उसकी जगह सभी फ्रेंच मैन वीमेन को सिटियोन और सिटियोनी कहकर बुलाया जाने लगा, जिसका मीनिंग होता है सिटीजन, यानी मेल सिटीजन और फीमेल सिटीजन. चर्चिज वर शट डाउन. चर्चिज को बंद कर दिया गया और देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इंटू बैरिक्स एंड ऑफिसज. उनकी जो इमारतें होती थी उसे सेना की छावनी बना दिया गया या फिर जो है कोई ऑफिस खोल दिया गया वहाँ पर. इस पूरे पैराग्राफ को बेटा 5 मार्क्स में आप कंसीडर कीजिए कि व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स वर यूज्ड बाय द रोबेस्पियर गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इक्वालिटी इन द फ्रेंच सोसाइटी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप जरूर याद कीजिएगा. लास्ट पैराग्राफ में बेटा, रोबेस्पियर
pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Robespierre ने अपनी सभी policies को बहुत ही सख्ती से लागू किया, जिसकी वजह से उसके supporter भी जो है कुछ चेंज करने की डिमांड करने लगे। बेटा चाहे कितना अच्छा पर्पज हो किसी काम को करने का और चाहे बहुत ही अच्छे ढंग से काम भी हो रहा हो, लेकिन जब तक कि कंसेंट ऑफ द पीपल शामिल नहीं होता, यानी आम आदमी को का सहयोग लेकर या फिर सभी को वैल्यू देकर काम नहीं किया जाता, तब तक कोई भी अच्छा काम जो है क्रेडिट नहीं ले सकता या कोई भी पर्सन को क्रेडिट नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या है कि सब मिलजुल कर काम करें और मेजर्स इस टाइप से यूज किए जाने चाहिए जिसमें सभी लोग अपना 100% दे सकें। Finally, he was convicted by a court in July 1794. बाद में क्या हुआ कि July 1794 में एक कोर्ट ने इसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जो है जारी कर दिए, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? रोबेस्पियर को, और उसके ऊपर भी जो है मुकदमा चलाया गया। ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलोटिन, और उससे बाद में गुलोटिन कर दिया गया, यानी उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया। तो कहते हैं ना कि जैसे कि जो खड्डा खोदता है दूसरों के लिए, वो दूसरों के लिए नहीं होता, वो अपने लिए होता है। तो जिस टाइप से उसने दूसरे लोगों के साथ अपना व्यवहार रखा, ठीक वैसा ही व्यवहार उस आगे चलकर उसे भी फेस करना पड़ा, यानी उसका फेट भी सेम था जैसा कि उसने अपने अपोजिशन वालों का किया। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ने जा रहे हैं अब, जिसमें डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस को डिस्क्राइब किया गया है, यानी आफ्टर कन्वेंशन रूल किसका रूल आया। और डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव वाली डायरेक्टरी यहाँ पर बनाई गई थी, कब? जब जैकोबिन गवर्नमेंट की सरकार गिर गई थी, और उसके बाद मिडिल क्लास के जो वेल्दियर पीपल थे उन्होंने पावर अपने हाथों में ले ली। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, और जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सोसाइटी के हर उस सेक्शन को दूर कर दिया गया वोट देने के अधिकार से जो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिखा हुआ बेटा, जिसका मीनिंग होता है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने क्या किया, इलेक्शन करवाए गए और टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो विधान परिषदों का निर्माण किया गया जो कि जनता द्वारा चुनी गई और उन मेंबर्स के थ्रू चुनी गई जिनके पास प्रॉपर्टी थी। देन दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टिव, उसके बाद इन दो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को क्रिएट किया जिसमें 5 मेंबर्स को चूज किया गया फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स। दिस वॉज मेंट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। ये काम क्यों किया गया, क्योंकि 5 लोगों को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था, जैसे कि वो देख चुके थे कन्वेंशन रूल में जैकोबिन जो रोबेस्पियर था वो पूरी पावर खुद यूज करता था, जिसकी वजह से पावर मिस यूज करने का खतरा पैदा हो गया था या फिर वो खतरा बन चुका था। तो उस चीज से सेफ गार्ड देने के, सुरक्षा कवच देने के लिए ये 5 मेंबर की डायरेक्टरी बनाई गई। However, the directors often clashed with the legislative council. हालांकि ये जो 5 मेंबर बनाए गए बेटा, ये 5 मेंबर की आपस में भी इतनी नहीं बनती थी, और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ भी इनकी लड़ाई झगड़े रोजाना होते थे। Who then sought to dismiss them? बाद में इस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने क्या किया, इस डायरेक्टरी रूल को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अराइज हो गई। और उसके बाद जो है डायरेक्टरी कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने उठा लिया। ये कौन था बेटा, नेपोलियन जो उस टाइम आर्मी का एक मेन ऑफिसर था, जिसने इस टाइम पीरियड को पावर सीज करने का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, यानी उसे लगा कि अब उसे पावर अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है फ्रांस के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक कर दे या फिर कोई और जो है सीवर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। थ्रू ऑल दी चेंजेज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हालांकि सरकार के ये रूप अलग अलग बदलते चले गए और अलग अलग सरकार ने अलग अलग चेंजेज भी करने की कोशिश की, लेकिन जो आइडियल्स थे बेटा इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी, ये सब जो है आने वाली कई सदियों तक क्या हुआ, यूरोप के अलग अलग देशों को, बचे खुचे जो बाकी देश हैं और फ्रांस को में जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उनको इंस्पायर करते रह गए। यानी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से
इंस्पिरेशनल थॉट जो है लोगों को मिला और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चले उनको मोटिवेशन मिला। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। पेज नंबर 18 और 18 के ऊपर बेटा मेन कंटेंट है, डिड वीमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या औरतों ने भी कोई क्रांति की या फिर वो एक पैसिव सिटीजन के रूप में अपना रोल प्ले करती रही। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेज इन फ्रेंच सोसाइटी। शुरुआत से ही जो यहाँ की औरतें थी वो एक्टिव सिटीजन्स के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही अलग अलग घटनाओं की, यानी उन्होंने अलग अलग घटनाओं में अपना योगदान दिया जिसकी वजह से फ्रेंच सोसाइटी में आगे चलकर जो है इंपॉर्टेंट चेंजेज लाए गए। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ। उनको उम्मीद थी कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए आगे आने वाले समय में उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार लाएगी। इस होप के साथ वो मूवमेंट का पार्ट बनी। मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। बहुत सारी थर्ड स्टेट की औरतों को पैसा कमाने के लिए घर से बाहर भी निकलना पड़ा। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे लोगों के कपड़े धोए, फूल बेचे, फल और सब्जियां भी बेची मार्केट के अंदर जाकर, और रिच पीपल के घर जाकर डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम भी किया। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर औरतें उस समय की ना तो पढ़ लिख पाती थी और ना ही उन्हें जॉब के लिए कोई ट्रेनिंग मिलती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्दियर मेम्बर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट। जो नोबल फैमिली की लड़कियां होती थी या फिर थर्ड स्टेट के जो वेल्दियर मेंबर होते थे उनके घरों में जो औरतें होती थी और लड़कियां होती थी वो ही कॉन्वेंट स्कूल तक पढ़ पाती थी, और उसके बाद जो है उनके परिवार, उनके घर वाले जो है उनकी मैरिज फिक्स कर देते थे। वर्किंग वीमेन हैड ऑल्सो टू केयर। अब ये जो बाहर काम कर रही हैं औरतें पैसा कमाने के लिए, वो सिर्फ बाहर ही नहीं करती काम बल्कि वो अपने घर का पूरा काम भी खुद करती हैं, जैसे कि कुकिंग फूड, खाना बनाना, फैच वाटर, पानी लाना, क्वी अप फॉर ब्रेड यानी ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन अपने बच्चों की केयर करना। देयर वेजेज वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। हालांकि उनके जो वेतन होता था, इनकी सैलरी होती थी, वो मैन के मुकाबले में बहुत कम होती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा। इन ऑर्डर टू डिस्कस और वॉइस देयर इंटरेस्ट वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। अपनी बात को बातचीत करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को आवाज़ देने के लिए कि हम भी कुछ, हमारे अंदर भी कुछ डिमांड्स हैं तो उन डिमांड्स को पूरा किया जाना चाहिए, इन सब के लिए औरतों ने अपने अपने पॉलिटिकल क्लब भी बनाए और न्यूज़पेपर भी शुरू किए। अबाउट 60 वीमेंस क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। अलग अलग फ्रांस की सिटीज़ के अंदर लगभग 60 जो है वीमेन के पॉलिटिकल क्लब इस्टेब्लिश हो चुके थे। आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा बेटा। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। सबसे ज़्यादा जो फेमस वीमेन का जो क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, यानी क्रांतिकारी और गणतांत्रिक औरतों का संगठन। ये एक ऐसा संगठन था जिसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और औरतों को भी जो है एक एक्टिव मेंबर के रूप में दिखाया। वन ऑफ देयर डिमांड वॉज टू गेन द सेम पोलिटिकल राइट एज पर मैन। उनकी सबसे जो मेन डिमांड थी वीमेन पोलिटिकल क्लब की वो ये थी कि उन्हें भी राजनीतिक अधिकार पुरुषों के मुकाबले मिलने चाहिए, पुरुषों के बराबर मिलने चाहिए। वीमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। औरतों को उस समय बहुत निराशा महसूस हुई जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया गया लेकिन उन्हें एक पैसिव सिटीजन के रूप में दर्जा दिया गया। पैसिव सिटीजन मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो है शामिल नहीं हो सकती थी, ना तो वो वोट दे सकती थी किसी और को चुनने के लिए और ना ही खुद असेंबली या किसी पॉलिटिकल ऑफिस की ऑफिस में चुनी जा सकती थी। तो इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम थी। ओनली देन देव
felt, would their interest be represented in the new government? उन्हें लगता था कि अगर उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा या चुने जाने का अधिकार मिलेगा तो उससे ही वो नई सरकार में अपना जो है प्रतिनिधित्व या अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करवा पाएंगी या अपनी बात रख पाएंगी, अपनी डिमांड्स की तरफ जो है गवर्नमेंट का ध्यान खींच पाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. शुरुआती सालों में हालांकि इस revolutionary government ने औरतों की जिंदगी में कुछ सुधार करने के लिए कुछ कोशिश की, कुछ लॉज ऐसे इंट्रोड्यूस किए जिससे कि उनकी लाइफ को थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं उन्हें अच्छा फील हुआ औरतों को कि हमारे बारे में भी किसी ने सोचा। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, इन स्कूल को ओपन करवाया सरकार ने जिसमें लड़कियों को पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, और सभी लड़कियों के पढ़ने को कंपल्सरी कर दिया गया, यानी सभी लड़कियों के लिए पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, उनके पिताजी जो है उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी मैरिज फिक्स नहीं कर सकते थे और मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसको वो अपनी मर्जी से जो है शादी करना और कानून के तहत उस शादी को रजिस्टर भी करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, तलाक देने की प्रक्रिया को भी कानूनी बनाया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ वीमेन एंड मैन, अब ये दोनों के द्वारा ही अप्लाइड किया जा सकता था। पहले मैन लोगों को ये ज़्यादा अधिकार था कि वो किसी भी टाइम अपनी पत्नी को जो है डाइवोर्स कर सकते थे, लेकिन अब वीमेन को भी ये राइट दिया गया। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, औरतें अब जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी। कुड बिकम आर्टिस्ट, कलाकार बन सकती थी। एंड रन स्मॉल बिजनेसेस, और अपने छोटे बिजनेस भी चला सकती थी, यानी अपने छोटे मोटे जो काम धंधे हैं या फिर बिजनेस हैं उनको शुरू कर सकती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा, वीमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पोलिटिकल राइट हाउ एवर कॉन्टिन्यूड, हालांकि औरतों का ये जो एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का जो स्ट्रगल था ये जारी रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉज ऑर्डरिंग द क्लोजर ऑफ वीमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पोलिटिकल एक्टिविटीज। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी जो कि जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसने क्या किया बेटा, उसने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिससे औरतों के जितने भी पॉलिटिकल क्लब थे उनको बंद करवा दिया गया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों को बैन कर दिया गया, यानी उन्हें भी बंद करवा दिया गया। मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड, बहुत सारी जो मेन लीडर थी उस टाइम की उनको अरेस्ट कर लिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया। एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और उनमें से कईयों को तो मौत के घाट भी उतार दिया गया, यानी उन्हें मार डाला गया। अब लास्ट पैराग्राफ बेटा, वीमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेज कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हालांकि औरतों का ये जो आंदोलन था वोटिंग राइट गेट करने का या इक्वल वेजेज गेट करने का, ये नेक्स्ट 200 ईयर्स तक वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में कंटिन्यू रहा, यानी जारी रहा, यानी वो स्ट्रगल करती रही अपने वोट राइट टू वोट को गेट करने के लिए 200 ईयर्स तक। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिएगा बेटा कि जो इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट था बेटा वो कब से कब तक चला, लेट 19th सेंचुरी से शुरू हुआ और अर्ली 20th सेंचुरी तक अलग अलग देशों में कंटिन्यू रहा और धीरे धीरे अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको जो है दिया, किसको दिया, औरतों को वोट देने का अधिकार दिया। द एग्जाम्पल ऑफ द पोलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वीमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी, और इन सभी मूवमेंट का जो कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हुए उन सबको बेस या इंस्पायरिंग जो थॉट थी वो मिली फ्रेंच जो सिटीजन्स थी जो वीमेन ने वहाँ पर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट किया और अपनी डिमांड रखी या अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया, इसको एक इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप में जो है अलग अलग देशों के रेवोल्यूशनरी पीपल ने जिंदा रखा। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट, अंत में जो है फ्रांस की औरतों को वोट देने का अधिकार मिला, मताधिकार मिला। कब मिला, 1946 को। अब इस चीज़ को भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में अंडरलाइन करेंगे, प्लस ये भी याद रखेंगे कि अगर आपको बाई चांस ये भूल भी जाए कि 1946 में उनको वोटिंग राइट मिला था तो आप इसको लिंक कीजिए इस फैक्ट के साथ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उससे वन ईयर बिफोर जो है फ्रेंच वीमेन को वोटिंग राइट दिया गया।
इवन ये भी मैं बता दूँ साथ ही साथ कि इंडियन वीमेन को तो वोटिंग राइट अपनी इंडिपेंडेंस के साथ साथ ही मिल गई थी, उन्हें इसके लिए कोई स्ट्रगल स्पेशल नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट बेटा जो इसमें मेन कंटेंट है, ओलंपी द गोज है जो कि मेन लीडर थी उस टाइम की रेवोल्यूशनरी क्लब की, जो कि वीमेंस की मेजर लीडर के रूप में फेमस थी। ओलंपी द गोज बेटा एक पॉलिटिकल एक्टिव वीमेन थी रेवोल्यूशनरी फ्रांस में, और उसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था उसका, और राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन के को की जो घोषणा वहाँ पर की गई थी स्पेशली मैन कैटेगरी के लिए, उसके लिए उसके साथ साथ उसने भी अपने बेसिक राइट्स और ह्यूमन राइट्स को जो है वहाँ पर डिमांड किया कि हम भी इंसान हैं और हमें भी बेसिक राइट्स मिलने चाहिए एज पर मैन। सो 1791 में उसने अपनी एक डेक्लेरेशन बनाई जिसमें उसने औरतों के अधिकारों को लिखा, शी रोट ए डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन विच शी एड्रेस टू द क्वीन। इस चीज़ को उसने किसको भेजा, किसको एड्रेस करते हुए बोला, क्वीन को और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, और ये डिमांड रखी 1793 में कि हमारी भी जो डिमांड है पॉलिटिकल राइट्स गेट करने की उसको फुलफिल किया जाए। जबकि ओलंपी द गोज को जैकोबिन गवर्नमेंट ने लाइक नहीं किया उसकी डिमांड को, और उसको ज़बरदस्ती जो वीमेन के जो क्लब उन्होंने ओपन कर रखे थे उनको बंद करवा दिया गया। शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, और उसको राष्ट्रीय कन्वेंशन सभा के द्वारा उस पर मुकदमा दायर किया गया, विच चार्ज हर विद ट्रेजन, और उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। सून आफ्टर दिस शी वॉज एग्जीक्यूटेड, तुरंत ही जल्दी ही उसको जो है मौत के घाट भी उतार दिया गया, यानी उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थ्रू आउट द फ्रेंच वीमेन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। आज के लिए बेटा बस इतना ही, 19 पेज तक आप लेसन को रीड करेंगे प्लस इसके नोट्स भी बनाएंगे, और साथ ही साथ इसके जो इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा डेली वेजिज पर लर्न करते चलेंगे, ताकि आगे चलकर ये जो है एक बर्डन के रूप में ना दिखाई दे। एसएस में बेटा सक्सेसफुल होना है या एसएस में फुल मार्क्स गेट करने हैं तो मेरी एक इंस्ट्रक्शन बेटा जरूर फॉलो कर लेना, साथ साथ आप जब नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चन लर्न करेंगे और रीडिंग करेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर मेथड कोई और हो ही नहीं सकता फुल मार्क्स गेट करने का और इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने का। थैंक यू।